देख सकते हैं इसको तो मतलब ललपनिया लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप पीछे देख सकते हैं कि ये पता नहीं स्रोत कहाँ से निकला है। देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अरे भाई 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 क्या हो भाई भाई क्या हो गया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ क्योंकि ठंडा है, इसलिए मैं धूप यहाँ पे सेक रहा हूँ। और दो दिनों से मुझे थोड़ा सा सर्दी खांसी और थोड़ा सा जुकाम और सर दर्द भी कर रहा था। और आज बहुत ही मतलब ख़ास दिन है आप लोगों के लिए, पिकनिक का टाइम आ चुका है और हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया है कि पिकनिक जाना है। और 14 या 12 जनवरी को आता है बॉडी मकर संक्रांति, जो सब कोई सेलिब्रेट करता है। और पीछे यहाँ पे गुड्डी वगैरह का भी आ गया है टाइम। तो आज आप लोग को मैं मतलब बताना जा रहा हूँ कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना है तो कहीं आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ केरला नंबर 3 2 4 5 6 7 0, ये मेरी एक्स का नंबर है। मजाक कर रहा था दोस्तों, लगा के देख लो, अगर लग जाए तो मुझे भी दे देना, क्यों नहीं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ कुछ सामान पहुँचाने के लिए लइयो तरफ। आई नो आप लोग पहली बार लइयो सुन रहे हो, बहुत सुना भी होगा लइयो केरला 3 नंबर, बहुत कोयलरी क्षेत्र है। थोड़ा बहुत सीन मतलब मैं उसमें ऐड करूँगा, और अगर शाम को मैं आज जल्दी आ जाता हूँ तो आप लोगों को मैं थोड़ा वॉलीबॉल के शॉट्स दिखाऊँगा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मकर संक्रांति की जोश से बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे गुड्डी उड्डी का टाइम आ चुका है। और एक ख़ास मेहमान से आपको मैं मिलाना चाहूँगा। दोस्तों मैंने यहाँ सुबह देखा कि एक कौवा यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ पे कौवा है, ये मतलब उड़ नहीं रहा दोस्त, इसको इसका पंख टूट चुका है, इसका शायद पंख टूट चुका है। देख सकते हैं इसको ताली उली भी मार दीजिएगा फिर भी नहीं जाएगा दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों आप कभी भी इस तरह का कोई मिले तो आप लोग कम से कम रोड, आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम इतना जरूर कीजिए उसको रोड से साइड कर दीजिए, समझे। आप इसको देख सकते हैं, मैं क्लोज कर देता हूँ, आप लोग मरने का समय आ चुका है, कब के मरेगा ये। देखिए यहाँ पे बच्चे लोगों का हर्षोल्लास से, देखिए मदद किया इन्होंने, रोड में था तो साइड कर दिया। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों का सीन, जा रहा हूँ मैं, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए पर शाम तक मैं कोशिश करूँगा आ जाऊँ, और कल कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड कर दूँ ब्लॉग को। आप लोग पूरा देखिए, कैरी ऑन कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना टाइम मुझे देते हैं और मैं टाइम को बर्बाद करने में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, वरना तेरे को डर नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं अगला सीन, देख सकते हैं इसको तो मतलब रोड से मेरे दोस्तों ने साइड कर दिया, इसको शायद ठंडा भी लग रहा है, आप लोग देख लीजिए। बोलिए सब्सक्राइबर कहाँ है, बोलिए। अबे साले अपना काम करना, ये शायद डर रहा है। अरे ये तो गिर गया, कैसे उठेला लिया यार, तूफान तूफान लाना उला लान उला लान। दोस्तों इसको मैं धूप में कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको ठंडा नहीं लगे। इसको ठंडा लग रहा था इसलिए मैंने धूप सेकवा दिया। दोस्तों थोड़ा बहुत साफ सर्व कीजिए, और कोई भी जानवर को आप लोग टोटील देखिए तो कम से कम उसको साइड कीजिए। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। For so long I was living my life, who's so wrong always know। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जर्नी के दौरान मैं मतलब एक जगह रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे ललपनिया का एक बहुत ही फेमस जगह आया हुआ हूँ जो आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से।
देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही फेमस झरना है ललपनिया का, और यहाँ से लुगुबुरु जस्ट सामने ही है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप ललपनिया लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो चलिए थोड़ा हम लोग झरना की ओर जाते हैं और थोड़ा सा मुंह वगैरह फ्रेश धो लेंगे। यहाँ पे शिवलिंग वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर आज जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ काम से आना था तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना बड़ा मंदिर है। दोस्तों आप मेरे पीछे सीन देख सकते हैं कि झरना कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को मैं सामने से दिखाता हूँ। ये ललपनिया का एक बहुत ही फेमस जगह है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई से पानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है लुगुबुरु। बहुत साफ सुथरा होता है तो मुंह धो लूंगा तो फ्रेश लगेगा। नदी का पानी बहुत ही ताजा पानी होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी मंदिर की ओर। तो दोस्तों अभी मैं लइयो के जगह पे यहाँ पे रुका हुआ हूँ। खेत पथियार आप लोग पीछे देख रहे हैं, पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार खेत में क्यों रुका है। आपने सही समझा, दो नंबर नहीं। यहाँ आप लोगों को एक बहुत ही आश्चर्यचकित चीज दिखाता हूँ। यहाँ एक पाइप लगा हुआ है जिसमें मतलब पानी मतलब निकलता है। इसके पीछे क्या साइंस है नहीं है आप देख सकते हैं। देखिए आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर देख सकते हैं आप। ये स्रोत आप पीछे देख सकते हैं कि ये पता नहीं स्रोत कहाँ से निकला है। यहाँ मतलब सुनने में आता है कि 24 घंटा मतलब यहाँ से पानी इसी तरह से लीक करता है। आप देख सकते हैं अरे वाह, देखिए विज्ञान का अजूबा भी हो सकता है या कुछ क्या नहीं पता नहीं। इधर पूरा खेत पथियार है। यहाँ का लोगों का कहना है दोस्तों कि ये 12 महीना 2400 घंटा ऐसा ही पानी फेंकते रहता है, ये पानी का जो स्रोत है ऐसा ही। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा ये रहस्यमय फवारा, बहुत ही आश्चर्यजनक है एकदम। हमको जरा सा सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ से पानी निकल क्यों रहा है। मतलब कंटिन्यूस निकलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, फवारा फेंक रहा है। बहुत ही मतलब मज़ा लगा इसको देख के। अब हम लोग जल्दी, अभी तो लइयो में है, यहाँ से हम लोग जल्दी निकलते हैं पेटरवार की ओर। अगर जल्दी पहुँचता हूँ तो वॉलीबॉल भी जाके खेलेंगे आप लोग के साथ वहाँ पे, और वहाँ का भी वीडियो शूट करूँगा। आप लोग देख सकते हैं वहाँ गाड़ी खड़ा है। चलिए यहाँ से धीरे धीरे। तो दोस्तों मैं टाइम से पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे वॉलीबॉल आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे वॉलीबॉल हम लोग खेलते हैं। आप देख सकते हैं प्रोफेशनलिज्म का कितना ध्यान रखा जाता है। लाइन तो यहाँ मिट चुका है, तो अभी यहीं पे मैं थोड़ा बहुत खेलूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद रात का जो रूटीन रहेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉक पे। ओ साड़ो बोल 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 ब